जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये कालातीत है, समय से बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। और आप ये समझे, एक भारत के लिए इससे बेहतर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है होनी। मेरे पास पेशेंट कौन से आते हैं, आयुर्वेद के पास पेशेंट कौन से आते हैं? आयुर्वेद मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, वो वह पेशेंट होते हैं जो एलोपैथ से थक चुके होते हैं, जो दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके होते हैं, जिन्हें एलोपैथ वाले कह चुके होते हैं कि अब इनका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे मरीज मेरे पास आते हैं और बहुत बहुत संतुष्टि पूर्वक ईश्वर की कृपा से वो ठीक होते हैं। तो यह है आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, मानव निर्मित नहीं है ये, इसे मनुष्य निर्मित नहीं कर सकता, ये ईश्वर कृत है, ईश्वर ने बनाई है भाई ये पेड़ों की रचना, ये पौधों की रचना ये मानव नहीं कर सकता, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और ईश्वर ने जो चीज बनाई है वो अल्टीमेट है, उसमें कोई कोई संदेह संभव नहीं है। जो जड़ी बूटी, जो जड़ में, पत्ती में, तने में, जो प्राण ईश्वर ने पौधे के अंदर दिए हैं, आयुर्वेद उन्हीं को इस्तेमाल करके लोगों की बीमारियां दूर करता है, जड़ से बीमारी दूर करता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है कि डॉक्टर्स ने कहा कि बस अब सेवा करो, जिंदगी ज्यादा नहीं बची, और लोग अभी तक जीवित हैं, 3-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जो लाइलाज घोषित कर दिए और आयुर्वेद ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिए। मैं कह रहा हूं ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ईश्वर से डरते हुए कह रहा हूं मैं, आपको कोई समस्या है, एक हफ्ता एक आयुर्वेद की दवाई खा के देखिए, मेरे हिसाब से आपको कहीं ज्यादा बेहतर संतुष्टि मिलेगी वनस्पत एलोपैथिक दवाइयों। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई विकल्प है ही नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी में बनी हुई दवाइयां हैं, हमने थोड़ा सा और परिष्कृत कर दिया है दवाइयों को बनाने में, तो हमारी दवाइयां और बेहतर प्रयोग होती हैं, लेकिन आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। नाड़ी महत्वपूर्ण है, नाड़ी से बहुत सारी 27 चीजें पता चलती हैं, नाड़ी नाड़ी से प्रकृति पता चलती है, नाड़ी से नसों में बहते हुए प्रवाह का, रक्त का प्रवाह का प्रेशर महसूस होता है, पता चलता है, वात पित्त रक्त, वात पित्त कफ, जो ये हमारी तीन प्रकृतियां हैं, उसमें हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी दवाई सबसे बेहतर काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद के साथ, दवाइयों के साथ जो है परहेज बड़ा महत्व, यह प्रकृति उसका परहेज निर्धारित करेगी कि उसको क्या खाना और क्या नहीं खाना। कफ की प्रकृति है तो ठंडी चीजें उसको नहीं दी जा सकती, पॉसिबल नहीं है देनी। अगर पित्त की प्रकृति है तो गर्म चीजें उसे तो नहीं दी जा सकती, बीमारी उसे क्या है वो सेकेंडरी है, दवाई उसे क्या दी जा रही है वो उसके लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप है, लेकिन साथ में परहेज भी है। तो तीनों चीजें निर्धारित करने के लिए सिर्फ बीमारी होना महत्वपूर्ण नहीं है, बीमारी का कारण और व्यक्ति की प्रकृति दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर जिस हिसाब से खान पान के लिए बना हुआ है और जिस हिसाब से जीवन शैली के लिए बना हुआ है, उससे इतर जब हम चलते हैं, हमारा शरीर बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बना हुआ है, शारीरिक श्रम करने के लिए बना हुआ है, और आज के समय में जो है शारीरिक श्रम जो है वो न्यूनतम हो गया है, मानसिक श्रम बढ़ गया है, हम दिमाग से ज्यादा काम लेने लगे हैं शरीर के बनस्पत। तो शरीर में जब हम काम नहीं लेंगे तो एक पाचन क्रिया जो है वो प्रॉपर उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात, खान पान में बहुत ज्यादा जो है जैसी वर्सेटाइल चीजें हम खाने लगे हैं, और उन चीजों का सही तरीके से हाजमा हमारे शरीर नहीं कर पा रहा है, लीवर पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, और क्योंकि उसमें वसा भी एक पार्ट है, तो कई बार दिक्कत क्या होती है कि लीवर को उन सब चीजों को हजम करने में दिक्कत आती है। तो जब किसी ऑर्गन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ विविधताएं, कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें आएंगी ही। तो वो एक स्थिति ऐसी होती है जिसे एक फैटी लीवर का नाम दिया गया है, सामान्य दिक्कत है, ज्यादातर लोगों को ये समस्या आज के समय में है, केवल इंडिया में नहीं है, बहुत सारे हमारी दवाइयां चूंकि अमेरिका वगैरह भी जाती है, वहां पर भी ये फैटी लीवर ओबेसिटी नाम की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो हमें इससे, इसके लिए हमें क्या करना है, खान पान वगैरह विशेष ध्यान रखना है, शारीरिक श्रम जरूर करना है, सुबह को एक्सरसाइज जरूर करनी है, मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, योगा, शरीर शारीरिक श्रम जब हम करेंगे तो हमारा पाचन क्रिया और बेहतर हो जाएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सामान्य दिक्कत है, एक लेवल के बाद यदि ज्यादा समस्या आती है, फेफड़ों के नीचे यदि भारीपन, पेन ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज करवाना जरूरी है, इसमें लापरवाही ना।